हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समीना क्लासेस। आई एम समीना सैफी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जून 2017 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें आपको बताऊँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर दे रखा है ये आपको फिलअप्स, ठीक है, ट्रूफॉल्स या फिर मैचिंग। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप प्रीवियस ईयर से अगर पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यही चीज़ आपकी बार बार रिपीट होती रहती है। कभी आपको इन्हीं को, जैसे यहाँ पे फिलअप दे रखे हैं, इन्हीं से कभी आपके मैचिंग बन सकते हैं, कभी आपके इनसे ही ट्रूफॉल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आप कोई से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपको पहले इन्हें लर्न करना होगा, ठीक है। इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बारे में अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो जो आपके प्रीवियस ईयर से बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। वैसे तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं, ज़्यादातर वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई सा भी रिपीट हो सकता है, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर मैंने टिक लगा रखे हैं, ठीक है। और बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, वो कभी कभार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसका मैं आपको आंसर अभी बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, डिस्क्राइब एनी टू एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये इसके दो एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द पॉसिबल कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। ये है इस वाले क्वेश्चन का आंसर, कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पूरा इसका आंसर ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लेकिन आपको इसे पूरा नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के इसमें अपने हिसाब से आपको आंसर बनाना है, ठीक है। ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपने इस वाले आंसर को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द मैकेनिज्म थ्रू विच ट्रांसडक्शन एंड सेक्सडक्शन अकर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं भी आपको बताती हूँ। ये है टेक्सडक्शन का, ट्रांसडक्शन का आंसर, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ठीक है। और ये है आपका सेक्स डक्शन का आंसर, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, जैसे कि कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, तो इसका ये डिफरेंस है, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसके बारे में लिखा हुआ है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। ये यहाँ से लेके स्टार्ट है आंसर यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर के, तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, थीके? तो इन्हें आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है पार्शियल डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ठीक है। पार्शियल डोमिनेंस का दूसरा नाम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है, कम्प्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उस वाले क्वेश्चन का आंसर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दूसरा नाम क्या होता है आपका, पार्शियल डोमिनेंस, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो आराम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, कई बार रिपीटेबल क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये जून 2017 के साथ साथ जून 2013 में भी आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में बताना और ऐसी कंडीशंस बतानी है जिनके अंदर ये एप्लीकेबल होता हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपका 19 में भी आया था, जून 2019 में भी और 17 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। आप देख सकते हैं इसका आंसर, स्टेट द हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। तो ये वाला लॉ आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। कई बार ये रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, जैसे कि अभी जून 2019 में भी हुआ था, तो हो सकता है आपके दिसंबर 2019 में भी आ जाए और आगे भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एन ए इन टू अ
इंटू अ होस्ट जिनोम, ठीक है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका टॉपिक जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टी आई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टेरियम डेफिशियंसी, इसका टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ इसका आंसर, आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाला आपका जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका जून 2014 में भी और जून 2017 में भी इससे आपका आंसर आया था, ठीक है, क्वेश्चन आया था। तो इसे आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द हिस्टोन्स हाउ डू दे एड इन डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। तो इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर है आपका यहाँ से हिस्टोन प्रोटीन। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर लिखना है और पैकेजिंग देखनी है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, व्हाट इज प्रीनेटल डायग्नोसिस, डिस्कस इट्स एडवांटेज, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इस वाले आंसर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ डोसिस कंपेंसेशन इन मैमल्स एंड ड्रोसोफिला। तो इसका आंसर है, यहाँ पे दे रखा है इसके आंसर में डोसिस कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन इन मैन एंड इन ड्रोसोफिला, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, ये सब इसका पूरा आंसर ही है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं लिखना आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर लिखने हैं, ठीक है, जितना कि आपका 10 मार्क्स में हो सके या फिर आपके 5 मार्क्स में हो सके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, डिस्क्राइब मियोटिक नॉन डिसजंक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम, ठीक है। तो ये इसका आंसर है और ये इसका डायग्राम है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में एक बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर दें, ताकि रोज़ आने वाली ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। और मैं इसी तरीके से आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर आती रहूँगी, अभी LSC 3 के और LSC 2 के भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर की, आपको कोई गाइड में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के खरीदने के लिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। टू टॉल रेड फ्लावर प्लांट्स ए एंड बी वर क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स, ठीक है, द फॉलोइंग टू रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड दिस, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हैं ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अपने, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने LSC 1 के इस पर अपलोड कर रखे हैं 3-4 क्वेश्चन पेपर और लगातार मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उनको अच्छी तरीके से देख के उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप मुझसे LSC 1 के नोट्स भी ले सकते हैं, वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, LSC 1 और 2 के और FST 1 के मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है। आप चाहो तो उन्हें परचेस कर सकते हो मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।